किसान कर्ज माफी पर बोले राहुल गांधी, दो दिनों में निभाया अपना वादा। टीवी कार्यक्रम में गडकरी का विवादित बयान, कहा बहुत ज्यादा बोलते हैं बीजेपी के कुछ नेता, उनके मुंह पर कपड़ा बांधने की जरूरत। लालू यादव को मिली IRCTC घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत। रोजगार वाले बयान को लेकर कमलनाथ पर बिहार के दो जिलों में हुए केस दर्ज। UFBU की हड़ताल के चलते आज से 5 दिन तक बंद रहेंगे ज्यादातर बैंक। नोएडा पुलिस ने पकड़े गांजा तस्कर, जताई नक्सलियों से कनेक्शन की आशंका। नोएडा की IT कंपनी जेनपैक के अफसर ने की खुदकुशी, यौन उत्पीड़न के आरोप में हुए थे सस्पेंड। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से लुढ़के बाजार, सेंसेक्स खुलते ही 263 अंक लुढ़का और निफ्टी 73 अंक गिरा। अमेरिका के ओकलाहोमा में हुई फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत, दो घायल। दिल्ली पर मंडराता बड़ा खतरा, वैज्ञानिकों ने जताई 8.5 तीव्रता से भूकंप की आशंका।